कटघर थाना क्षेत्र के हनुमान मूर्ति के सामने खन्ना की ब्रास एक्स इंडिया फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। चार घंटे में आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में मौजूद गार्ड आग से झुलस गया, उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कटघर थाना क्षेत्र के हनुमान मूर्ति के सामने खन्ना की ब्रास एक्स इंडिया फैक्ट्री में सुबह करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मोहल्ले वालों ने करीब 5:30 बजे आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी तो आग लगने की सूचना फैक्ट्री मालिक और दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर 10 मिनट के अंदर पहुंच गई। आग इतनी भयंकर थी कि शुरू में फैक्ट्री के गेट से दमकल विभाग के कर्मचारियों को अंदर घुसने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। फैक्ट्री के पिछले हिस्से तक आग होने की वजह से पीछे एक मकान की छत पर चढ़कर दीवार तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया गया। दमकल विभाग के करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, उसके बावजूद भी 4 घंटे में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फैक्ट्री घनी आबादी में होने की वजह से आसपास के मकानों में आग की वजह से दरारें आ गईं। एक मकान में तो पूरी तरह से दरार आने से प्लास्टर तक छूट गया। आनंद फानन में दमकल विभाग ने मकान में से सभी को बाहर निकलने के लिए कहा, कहीं दरार की वजह से मकान गिर न जाए। दमकल विभाग के CFO मुकेश कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में आग लगने की सूचना करीब 5:32 पर हमको मिली थी। 10 मिनट के अंदर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फैक्ट्री की गहराई बहुत अधिक है, इसलिए आग बुझाने में कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। आधा दर्जन से अधिक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। चश्मदीद भुवनेश पांडे ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे घर के बाहर साफ सफाई कर रहे थे तो आसमान में काफी धुंध थी। मैंने सोचा शायद कोहरा है। 5 बजे करीब जब मैं टहलने के लिए निकला तो देखा फैक्ट्री में आग लगी हुई है। मैंने इसकी सूचना मोहल्ले वालों को दी और दमकल विभाग के अधिकारियों को भी। 10 मिनट में आग बुझाने के लिए गाड़ियां आ गईं। आग बहुत भयंकर है जिसकी वजह से अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। फैक्ट्री में आग की वजह से आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। मकान मालिक धर्मेंद्र ने बताया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी है वे मेरे घर से मिली हुई है। फैक्ट्री में आग लगने से मेरे घर में दरार आ गई है। अभी 6 महीने पहले ही मकान बनाया था, करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया है। पूरा मकान खराब हो गया है। मेरी छत से ही दमकल विभाग वालों ने दीवार तोड़कर आग बुझाई है। देखो मेरा प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आग काफी टाइम पहले लगी होगी, लेकिन जो हमको सूचना मिली वो 5:32 पे मिली थी। जैसी जो इंसिडेंट होती हैं उसमें ऐसा रहता है अधिकांश कि आग भयानक होती है, क्योंकि जो इनका आइडेंटिफाई बाद में हो पाता है। जैसे हमको सूचना मिली, हमारी जो गाड़ियाँ नियर जो स्टेशन है हमारा कटघर, वहाँ की गाड़ी रवाना किया गया। मैंने लोकेशन दिया कि साहब आग बड़ी हो सकती है, तो मैंने तत्काल जो हमारा हैलट रोड मेन स्टेशन है मैं था मुरादाबाद का, उसकी 5 गाड़ियाँ तत्काल रवाना कर दिया गया है। और स्थिति देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ महसूस किया है कि हमारा जो 6 गाड़ियाँ मौके पर हैं और हमारे कर्मचारी काफ़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री की गहराई इतनी अधिक है कि अंदर तक पहुँचने में दिक्कतें आ रही हैं। और इसमें गत्ता वगैरह का कैरोगेटेड वर्क होता था, पैकिंग मटेरियल, और इस तरीके की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था लोग नहीं रख पाते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर किसी फैक्ट्री में एक ही बार आग लगती है तो वो कुछ भी नुकसान पहुँचा सकती है, आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसके प्रति लोग अवेयर रहें और वो अग्नि सुरक्षा के जो व्यवस्थाएँ के उपकरण हैं उनको हमेशा मानकों के अनुसार रखें। सर, क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है या अभी आग लगी हुई है? नहीं, जो आग है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसको बुझाने में थोड़ा अभी वक्त लगेगा। हाँ, आग लगी है, और किस समय आपको जानकारी हुई? ये करीब साहब 4 बजे करीब मैं उठा था। 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, उठने के बाद जो है मैं झाड़ू वाड़ू लगाता हूँ, बाहर पानी वानी डालता हूँ, उसमें मैंने देखा धुआंसा हो रहा है, मैंने कोहरा है शायद, मैंने धुआं नहीं कोहरा है। उसके बाद मैं आधे घंटे के बाद फिर बाहर निकला, बदबू सी आ रही थी तो देखा लपटें चल रही थी बहुत तगड़ी तगड़ी सर, लपटें चल रही थी। उसके बाद फिर बाहर निकले, फिर मैंने जो मोहल्ले वालों को जगाया, आसपास पड़ोसियों को, और धर्मेंद्र जी का मकान है पड़ोस, इनको जगाया मैंने। मैंने भैया देखी ना क्या धुआंसा हो रहा है, मैंने आपके यहाँ कुछ है तो नहीं, तो पता चला कि आग लग रही है बंसल जी के, किसकी फैक्ट्री पता नहीं, बंसल जी की, खन्ना जी किसकी है। तो देखा सर उसमें लपटें चल रही थी बहुत तगड़ी तगड़ी लपटें चल रही थी, बुरा हाल हो रहा था यहाँ पर। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी गई, वो लोग यहाँ जो है 10 मिनट में पहुँच गए, तो आ गया थे इन लोगों ने आग पर जो है काबू पाया है। इन्हें काफ़ी मोहल्ले में जो आसपास के मकान हैं इनको नुकसान बहुत हुआ था। लमसम कितने घंटे से आग बुझाने का प्रयास चल रहा है? ये करीब साहब 5 बजे से जो है आग बुझाने का प्रयास चल रहा है। अब आग बुझ चुकी है? हाँ, अभी भी जो है अभी काबू नहीं, पूरा तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन चल रहा है अभी। अभी जो धुआं वगैरह निकल रहा है, लेकिन पूरे सही से अभी जो है काबू नहीं पा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। क्या हुआ, कहाँ आग लगी और उससे तुम्हारे मकान में क्या नुकसान हुआ? ये बिल्कुल मेरे घर के पीछे फैक्ट्री है, उनका कई बार कहा कि ये गत्ते की फैक्ट्री है, इसकी सुरक्षा करें।
मेरे ख्याल से तो कोई भी फायर के इंतजाम इनके नहीं थे, पूरा मेरा मकान चटक गया। सुबह बच्चों भी बड़े मुश्किल से मकान गिरने की स्थिति थी। 5 बजे से हम सब लगे पड़े हैं, फायर ब्रिगेड आई तब जाके कहीं आग काबू हुई, अंदर घुसने